भागलपुर जिले के सनहौला थाना अंतर्गत धड़ल्ली से चल रहे ओवरलोडेड बालू लदे एक मिनी हाईवे पर गाड़ी को सनहौला पुलिस ने जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक सनहौला और धरैया थाना अंतर्गत बराबर ये मामला सामने आ रहा था। कुछ बालू घाट से अवैध रूप से बालू का कालाबाजारी जारी है। इसको लेकर अक्सर ये देखा जाता है कि दिन और रात कभी ट्रैक्टर तो कभी मिनी हाईवे लगातार धड़ल्ले से बालू का परिचालन करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ धौरैया थाने में सैकड़ों बालू लदे ठेला का परिचालन भी किया जाता है। पासिंग लेकर जो भी बटसार होते हुए पहरा गांव होते हुए सनहौला थाना क्षेत्र में एंट्री करता है, जो लारन पुल पास करते हुए रमासी के पास निकलता है। मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि अमडंडा सनाखोर थाने क्षेत्र में भी बालू का अवैध कारोबार तेजी से चल रहा है। इसी दौरान सनहौला थाना अंतर्गत से जा रही एक मिनी को पुलिस ने ओवरलोडेड बालू लदे होने के कारण जब्त कर लिया है और अपनी वरीय अधिकारी के पास लिखित तौर पर भेज दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के संज्ञान में अभी भागलपुर जिले में बालू की कारोबार बंद है, फिर भी दिन हो या रात गाड़ी का परिचालन बंद नहीं है। आखिर यह अवैध बालू का कारोबार कैसे चल रहा है और किसके निर्देश पर चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसमें किसी भी मिली भगत नहीं है तो कैसे चल रहा है? शासन प्रशासन का भी इस पर कोई ध्यान नहीं। बताया जाता है कि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक धड़ल्ले से गाड़ी ओवरलोडेड बालू का परिचालन चालू रहता है। अब ये देखना है कि धड़ल्ले से जा रही ओवरलोडेड बालू लदे बिना चालान के ट्रैक्टर ठेला और मिनी हाईवे पर कब तक कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मघी आवाज़।